हेलो एवरीवन वेलकम टू क्रेजी ट्रिक फ्रेंड्स आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं और इन सब एग्जाम्स में हम देखते हैं कि जीएस के पोर्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाया है जहाँ पर हम सौ से ज्यादा जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे साथ में उनकी डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगभग पाँच से ज्यादा फैक्ट्स आपको इस वीडियो में कवर होते हुए दिखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे और ये वीडियो आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा सबसे पहले आप सभी को क्रेजी जी के टीम की तरफ से आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और आइए चालू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन है किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी सही आंसर है संगम वंश संगम वंश के हरिहरा और बुक्का ने जो दोनों भाई थे उनने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि चार वंश आते हैं पहला है संगम वंश सेकंड है सुल्व वंश तीसरा है तुल्व वंश तुल्व वंश से ही हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय आते हैं और लास्ट है यहाँ पर अरविडु वंश नेक्स्ट क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या है सी कैल्शियम ऑक्साइड ये केमिकल फार्मूला है क्विक लाइम का रिसेंटली हमने एस में देखा कि बहुत सारी आम चीजों के केमिकल फार्मूला पूछे गए हैं आइए इन पर एक नज़र डाल लेते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है एन थ्री ब्लीचिंग पाउडर का होता है सी ए ओ सी एल टू क्लोराफॉर्म का भी पूछा गया था सी एच सी एल थ्री कॉस्टिक सोडा एन एच सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड ड्राई आइस सी ओ टू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ स्लेट नाइम का फार्मूला सी ए ओ एच टाइस वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी पूछा जाता है एन एच सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ये सभी केमिकल फार्मूलाज बार बार पूछे जा रहे हैं इन सब की आप लिस्ट बना के रखिएगा और ये जरूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट कार्य करने की इकाई क्या है यूनिट ऑफ वर्क डन सही आंसर है डी जूल आइए दूसरी महत्वपूर्ण ऐसा यूनिट्स भी देख लेते हैं लेंथ के ऐसा यूनिट है मीटर टाइम की सेकेंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं मूल में इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर टेम्परेचर की कैलविन है सेल्सियस नहीं है इस बात को नोट करिएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैडेला सीडी सिंबल है इसका और मास की किलोग्राम होती है ग्राम नहीं बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं ये सब ऐसा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं इसलिए कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो आपको यही यूनिट्स को मार्क करना है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीके में से एक नहीं है यानी कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा मेथड को यूज़ नहीं करते हैं पहला ऑप्शन है बैंकिंग मेथड फिर है एक्सपेंडिचर मेथड फिर है प्रोडक्ट मेथड और डी है इनकम मेथड यहाँ पर सबसे पहले हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं नेशनल इनकम से बेसिकली ये मतलब है कि पूरे राष्ट्र की का इनकम है पूरे राष्ट्र ने मिलकर कितना कमाया तो उसको हम कैसे जाने तो एक तरीका तो ये है लोगों ने कितना खर्च करा मार्केट में उससे अब पता कर लें कि जितना मार्केट में पैसा आया होगा उतना ही लोगों ने कमाया होगा तो यह आता है एक्सपेंडिचर मैथड फिर एक आता है सी है प्रोडक्ट मैथड जहाँ पर हम देख रहे हैं कितना आपने उत्पादन किया भले वो गुड्स का हो उत्पादन या सर्विसेज का हो कितने आपने प्रोडक्ट बनाए मार्केट में और कितने बेचे या फिर उससे आप देख सकते हैं या फिर लोगों की कितनी सैलरी गिरी उनके अकाउंट में इससे आप समझ सकते हैं तो बी सी ओ डी ये तीनों मेथड से हम कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का एक अंदाजा निकाल सकते हैं मगर बैंकिंग मेथड से हम नहीं निकाल सकते इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए क्योंकि इसके थ्रू हम नेशनल इनकम का पता नहीं कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट ऐप पर आरंभ बैच लॉन्च किया है यहाँ पर हम शुरुआत से खासकर जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर साइंस टेक जनरल साइंस इन सब सब्जेक्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ जो भी बच्चे जनरल स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें ये बैच आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिलते हैं टीचर के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो सकें आपका जो फाउंडेशन होता है आगे की पढ़ाई के लिए वो पूरा यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है जो आपको हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में तो इस बैच को जरूर देखिए रूट ऐप पर वहाँ पर आपको उसकी डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है संसद शब्द के अंदर क्या आता है हमारा पार्लियामेंट जो है इसको हम देखते हैं ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं राज्यसभा लोकसभा और और हमारे प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं अगर हम इसको यूनिवर्सली देखें तो पार्लियामेंट शब्द का मतलब होता है नेशनल लेजिस्लेटिव यानी कि इंडिया की राष्ट्र की विधायिका को पार्लियामेंट बोला जाता है संसद बोला जाता है दूसरे देशों में उनकी राष्ट्र की विधायिका को अलग नाम से बुलाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टैब्लिश्ड सेवनटीन नाइनटी वन डैश तो यहाँ पर हिंदू कॉलेज बनारस में इस्टैब्लिश हुआ था कौन वॉलेज ने यहाँ पर जोनेथन डंकन की मदद की और जोनेथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस को सेवनटीन नाइन्टी वन में इस्टैब्लिश किया यहाँ पर एक और कॉलेज का नाम दिखता है हमको हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता जिसको इस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने उनका साथ दिया था यहाँ पर राधाकांत देव ने डेविड हैरे जस्टिस सर एडवर्ड हेरे ईस्ट ने वेदनाथ मुख्योपाध्याय और रैमसे दत्त ने तो यहाँ पर कई बार हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता पर भी क्वेश्चन आता है इन पॉइंट्स को नोट करिएगा अगला क्वेश्चन है 1873 में ज्योतिराव फूलोए ने किस भाषा में गुलाब ग्री लिखी थी तो यह मराठी भाषा में लिखी गई थी ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले भी कहा जाता है और ये टाइटल उनको दिया गया था महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट बिठ्ठल राव जी वेंडेकर द्वारा गुलाबगिरी के अलावा उन्होंने तित्रिया रत्न छत्रपति शिवाजी राज भोसले याच्छा सेठ कराशा अशुद्ध ऐसी किताबें भी लिखी हैं इसके अलावा उन्होंने एट्टीन में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जहाँ पर वो पिछड़े वर्ग को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहां पर इंडियन हाउस की स्थापना की तो यहां पर सही आंसर है डी लंदन में उन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना की थी उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की थी साथ में ही उन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट नाम की मंथली मैगजीन की भी स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण जी वर्मा पहले बॉम्बे आर्य समाज के प्रेसिडेंट भी रहते हैं वो बहुत बड़े प्रशंसक होते हैं दयानंद सरस्वती जी के और श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वयं वीर सावर जी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम यहाँ पर हमको अगर स्पीड का फॉर्मूला पता होगा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम टाइम को दूसरी तरफ ले जाएं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा इस चीज को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य हमको भारतीय संविधान के भाग चार ए में देखने को मिलते हैं ये रशिया के संविधान से प्रेरित हैं फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इनको संविधान में लाया गया था और श्रवन सिंह कमेटी ने इनको रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में हमको दस मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं बाद में एक और कर्तव्य को ऐड किया गया एक्सटीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल फिफ्टी वन ए के अंदर हम देखते हैं पूरे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं इनको लागू किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा यानी कि सही आंसर है सी नेक्स्ट कटीली झाड़िया यानी कि सोनी बुशेस डेच क्षेत्र में पाई जाती हैं यहाँ पर सही आंसर है सी ड्राई डेजर्ट मेडिटेरेनियन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ब्रॉड ब्रॉडली यानी कि चौड़ी पत्तियों के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं पोलर रीजन में हमको पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं पर या लीचिस देखने को मिलते हैं हाई रेनफॉल वाले एरिया में हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं अगला है द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज यहाँ पर सही आंसर है डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सलरेशन बोलते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी वी यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यहाँ पर बेसिकली एक्सलेशन का फार्मूला बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है मीटर और टाइम की सेकेंड्स इसलिए यहाँ पर ऐसा यूनिट बनती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले की ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है यहाँ पर सही आंसर है डी एंथरेसाइड एंथरेसाइड में नाइन्टी परसेंट तक प्योर कार्बन होता है ब्यूटी में हम देखते हैं कि सिक्सटी टू एट्टी परसेंट कार्बन होता है वो सेकंड नंबर पर आता है थर्ड नंबर पर आता है लेगनाइट जहाँ पर हमको फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट कार्बन देखने को मिलता है और पीट में हमको थर्टी टू फिफ्टी परसेंट तक कार्बन लेवल देखने को मिलता है इंडिया में एंथ्रेसाइड कोल जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो डी राइट टू वोट मौलिक अधिकार नहीं है ये एक संविधानिक अधिकार है ये हमको देखने को मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल थ्री टू सिक्स के अंदर ये एक मौलिक अधिकार नहीं है इसको याद रखिएगा और बाकी ऊपर दिए गए तीनों यहाँ पर मौलिक अधिकार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश का केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है तो ये केंद्रीय बैंक यानी कि जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है तो वो क्या करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट के लिए एज़ अ बैंकर काम करती है इंडिया के जो नोट है आर बी इशू करती है उनके गवर्नर के साइन भी होते हैं मगर वो पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं देते आम जनता जाकर वहाँ पर डायरेक्ट पैसे जमा नहीं कर सकती यानी कि सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आगे देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनर्शिया एनर्शिया यानी कि जड़प के बारे में हमको सही कथन को पहचानना है हमने लॉ ऑफ एनर्शिया देखा है एनर्शिया बेसिकली मास पर डिपेंड करता है यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा एनर्जिया होगा जैसे कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पर है तो वो जब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं एक लॉ ये कहता है दूसरी चीज़ ये बोली जाती है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो जब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई आउटसाइड फोर्स रोकेगी नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जिया को न्यूटन ने अपने पहले लॉ ऑफ मोशन में समझाया था तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आगे देखते हैं हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है यानी कि किस रूप में स्टोर होती है तो हमारी बॉडी में जो अधिकतर ऊर्जा है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर किया जाता है अगर बात करें कि बेसिक यूनिट क्या है एनर्जी की हमारी बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं ए टी पी एडिनोसाइन ट्राई हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इसी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेल के अंदर होता है माइक्रोकॉन्डिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं जहाँ पर पूरी एनर्जी स्टोर होती है इसको भी याद रखिएगा इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है ऑरेंज के अंदर हमको सिट्रिक एसिड देखने को मिलती है ग्रेप्स के अंदर हमको एसिड देखने को मिलती है बटर के अंदर हमको ब्यूटरिक एसिड देखने को मिलती है मगर टोमेटो के अंदर हमको फॉर्मिक एसिड देखने को नहीं मिलती है उसके अंदर हमको देखने को मिलती है ऑक्जेलिक एसिड तो यहाँ पर सही यह आंसर हो जाएगा ए ये गलत मैच किया गया है इंसेक्ट्स के अंदर और चीटियों के अंदर हमको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलती है अगला है यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन का एग्ज़ाम्पल क्या है रेस्टिंग डीएक्रेशन पैराबोलिक या फिर फ्री फॉलिंग बॉडी तो जो चीज़ रेस्ट पे है उसके अंदर तो एक्सेशन जीरो हो गया तो ये अपने आप गलत हो जाता है जब डीएक्सलेशन हो रहा होता है तो आप अल्टीमेटली जीरो तक पहुंचने वाले हो तो वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन नहीं हो सकता पैराबोलिक में हर समय पर डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पर भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलेशन नहीं देखते हैं क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा एक्सेलेशन चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पर बचता है फ्री फॉलिंग बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी सेम डायरेक्शन में आ रही है और वो हमेशा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ रही है तो इस कंडीशन में हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है जी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पर सही आंसर है डी अगला देखते हैं क्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देखिए डेफिसिट का मतलब होता है घाटा तो जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे खर्चे हैं एक्सपेंडिचर और जो हमारी आय की स्रोत है जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं उसमें कितना अंतर आया है तो वो सिंपल कहलाता है बजट डेफिसिट उसके बाद आता है फिजकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट के अंदर खर्चे और आय के स्रोत दोनों को देखा जाता है मगर यहाँ पर हम जो उधार लेते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं इसलिए फिजिकल डेफिसिट बेसिकली कितना आपने उधार लिया है इसका एक तरीके से मापदंड होता है तो फिजिकल डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू ब्रैकेट में आता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ये फार्मूला याद रखना है आपको ये जो फिजिकल डेफिसिट बना है इसको हम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने ब्याज पर पैसा लिया है उसका जो ब्याज दिया है उसको अगर माइनस कर दें उस पैसे को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट यानी कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज के बीच में जो अंतर है उससे हमको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मिलता है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसिस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पर सही आंसर है ए लाओ इसको छोड़कर फुलपाती मक्ती जावरा ये तीनों डांस मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं मगर लाओ जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है इसको याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई इसकी स्थापना नाइनटीन फोर्टी में हुई थी उन्नीस मार्च को इसके संस्थापक थे त्रिदेव चौधरी और इसके जो मूल हैं वो हमको देखने को मिलते हैं बंगाल लिबरेशन मूवमेंट अनुशील समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तामे की तुलना में अधिक प्रगतिशील है यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमको देखने को मिलता है जिंक अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है पोटेशियम उसके बाद सोडियम लिथियम बेरिलियम और ओवरऑल देखें कि कौन से मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है प्लस इसका सिंबल है फिर फ्रेंकियम आता है फिर आता है रुबीडियम आरबी इसका सिंबल है यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल दी गई है आप इसको देख सकते हैं सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम फिर गोल्ड फिर सिल्वर इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाया गया है अगला क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कितने मेंबर की बॉडी होती है तो ये एक सिंगल मेंबर की बॉडी होती है संविधान के अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इनके बारे में बताया गया है इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इनका जो टेन्योर है वो अधिकतम छः साल तक का हो सकता है या फिर जब इनकी आयु सिक्सटी की हो जाती है तब इनको रिटायर होना पड़ता है जो भी चीज़ पहले हो जाए अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध सेवनटीन में जो हुआ था उस समय अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था तो उस समय अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहते हैं ब्रिटिशर्स के लिए ये बंगाल के दो बार गवर्नर बनते हैं सबसे पहले 1757 से लेकर 1760 तक और उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई तो लड़ी इसके बाद जब बक्सर की लड़ाई होती है उस समय वो यहाँ पर नहीं थे उस समय हेक्टर मुनरो थे मगर अलाहाबाद की संधि जब साइन हो रही होती है उस समय रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं बंगाल में द्वैज शासन भी इन्होंने चालू किया था क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद उसके बाद दीवानी पावर यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की पावर कंपनी के पास थी और निज़ामत पावर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बंगाल के नवाब के पास थी इसी प्रणाली को बंगाल का द्वैज शासन कहा जाता है जो चालू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने नेक्स्ट है जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है इसको फ्रेंड्स मैंडर के रूप में जाना जाता है यहाँ पर हम जनरी ऑफ द रिवर देख रहे हैं जहाँ से रिवर की शुरुआत होती है उसको सोर्स कहा जाता है स्टार्टिंग में ये रिफ्ट वैली बनाती है और खाइयाँ बनाती है गॉर्जेस बनाती है फिर आगे हम देखते हैं इसमें ट्रिब्यूटरीज जुड़ना चालू होती हैं और ये मैंडर बनाती है ऑक्सबो लेक बनाती है फिर आखिरी में जब ये समुद्र के पास पहुंच रही होती है तो उस समय या तो डेल्टा बनाती है या एश्चुरी बनाती है रिवर जहां पर एंड हो रही होती है उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सदनत के संबंध में शासक और पूर्ववर्ती का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है तो यहाँ पर हमको रूलर और पीडीसेसर मैच करना है तो यहाँ पर सही आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी संस्थापक हैं खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी 1290 में इसकी स्थापना की जाती है उसके बाद उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं फिर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक फिर आखिरी रहते हैं नसरुद्दीन खुसरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो यहाँ पर हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर यह है कि वो अपने ऑफिस से हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जब एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में देखिए पहले तीन स्टेटमेंट पूरे सही हैं ये लास्ट स्टेटमेंट गलत है आर्टिकल सिक्सटी सेवन में प्रक्रिया बताई गई है किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है यहाँ पर या तो वो खुद रिजाइन कर सकते हैं और दूसरी प्रक्रिया ये होती है जहाँ पर राज्यसभा के अंदर सबसे पहले विधेयक पारित किया जाता है और चौदह दिन पहले यहाँ पर बताया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग होती है जहाँ पर मोर देन फिफ्टी परसेंट जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उतने वोट्स आने चाहिए और बाद में इसी प्रस्ताव को लोकसभा में लेके जाया जाता है जिस पर लोकसभा को सहमति दिखानी होती है उसके बाद ही रिमूव हो पाते हैं वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट है मध्य अक्षांश की तटीय क्षेत्र में स्थित वनों का क्या प्रकार होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी मिड लेटीट्यूडल कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर हमको टेम्परेड एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये मैप से भी काफी क्लियर होता है जो भी ट्रॉपिकल कैंसर के बीच में और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन के बीच में एरिया आता है वहां पर हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इक्वेटर पर हमको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और लास्ट में आते हैं हमारे पोलार फॉरेस्ट या पोलार रीजन हमको देखने को मिलता है इंडिया काफी यूनिक स्पेस में लोकेटेड है तो यहाँ पर हमको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है और मानसून फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं और जैसे ही समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वैसे ही फॉरेस्ट का टाइप चेंज हो जाता है तो इंडिया में हमको हिमालयस के इधर अलग टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमको कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज भी देखने को मिलती हैं ये चीज़ भी याद रखिएगा नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है तो यहाँ पर सही आंसर है बी मुहर्रम इस दिन को इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है मिलाद उन नबी ये बर्थडे होता है प्रॉफिट मोहम्मद का फिर हम देख रहे हैं ईद अदा ईद उल अदा बेसिकली बकर को कहा जाता है सेक्रीफाइस का फेस्टिवल है ये और ऑप्शन डी है इदुल फितर जो मीठी ईद आती है रमज़ान के मंथ में लास्ट डे पर ईद मनाई जाती है उसको इदुल फितर कहा जाता है नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ सालबाए किस वर्ष में साइन हुई थी ये 1782 में साइन की गई थी ये जो पहला बैटल होता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में उसके बाद इस ट्रिटी को साइन किया जाता है ये ट्रीटी बेसिकली बताती है कि जो युद्ध हुआ था वो ड्रॉ रहा उसमें कोई भी निर्णायक तरीके से जीत नहीं पाता है और बीस साल के लिए ये ट्रीटी साइन होती है कि हम बीस साल तक आपस में लड़ाई नहीं करेंगे इसके बाद 1802 में फिर से लड़ाई होती है मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जिसमें मराठा हार जाते हैं और तब ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ बैसिन उसको भी याद रखना ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन होने से पहले और भी ट्रिटियाँ साइन हुई थी पहले उनको समझ लेते हैं तो सबसे पहली ट्रीटी साइन होती है सेवनटीन में जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है ये साइन हुई थी रघुनाथ राव और उस समय जो बॉम्बे गवर्नमेंट के गवर्नर थे उनके बीच में फिर दूसरी ट्रीटी साइन होती है 1776 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग इस ट्रीटी को साइन करते हैं मराठाओं के साथ में फिर अगली ट्रीटी आती है तीसरे नंबर पर ट्रीटी ऑफ वर्डगांव यह ट्रीटी साइन करते हैं लॉर्ड वेलेसली उसके बाद लास्ट ट्रीटी जो है चौथे नंबर की वो है ट्रीटी ऑफ सेल बाय जो आखिरी में साइन होती है सेवनटीन एट्टी टू में तो इन ट्रीटीज को भी याद रखिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है फिर हमने देखा कि सेकेंड बैटल के बाद होती है ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन फिर जो लाखरी बैटल रहता है एंग्लो मराठा बैटल उसके बाद ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है पेशवा के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है सिंधिया के साथ और ट्रीटी ऑफ मंदसोर साइन होती है होलकर के साथ इसको भी याद रखिएगा यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेप्सिन की क्रिया को सुविभाजन बनाने के लिए हाइड्रोलिक एसिड कैसे मदद करती है तो हमारे पेट में हाइड्रोलिक एसिड रिलीज हो जाती है ताकि जो माध्यम है पेट का वो एसिडिक हो जाए और जैसे ही वो माध्यम एसिडिक होता है पैप्सिन का फंक्शन बढ़ना चालू हो जाता है तो उसको फास्ट कर देता है प्रोसेस को तो इस तरह से हेल्प करता है हाइड्रोलिक एसिड तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए तो पैप्सिन एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाइड्रोलिक एसिड को रिलीज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडलिक की प्रोडक्ट टेबल में एल्यूमिनियम का अटोमिक मास क्या होना चाहिए जो बाद में गैलियम से रिप्लेस हो जाता है तो मैडलीव की जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर ऑटोमिक मास उसका सिक्सटी एट आना चाहिए और एक्चुअल में एलुमिनियम का ऑटोमिक मास ट्वेंटी सिक्स है इसको याद रखिएगा और यहाँ पर टेबल भी दी गई है और जो प्रारंभिक प्रोडक्ट टेबल बनाने की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले नाम मैडलीव का ही आता है इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द सेल एनवलप ऑफ अ बैक्टीरियल सेल यानी बैक्टीरियल सेल जो होता है उसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है उसको ग्लाइकोक्लेक्स कहा जाता है यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम भी है जहाँ पर हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म होता है राइजोजोम फ्लैग्लियम होता है सेल वॉल होती है सेल मेम्रेन होती है ये सब चीज़ें हमको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर निमोनिया हुआ टीबी हुई डिथीरिया हुआ सिंफलिस हुआ या फिर टूट डिके हुआ ये सब बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगे हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म यूजेज वेरियस कलर ऑन फेसेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर यानी कि चेहरे पर रंग लगाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के किसी भी चरित्र को दर्शाने के लिए तो ऐसा हमको देखने को मिलता है कथाकली में कथाकली कहाँ का डांस है तो कथाकली केरला का डांस है कथाकली के अलावा हम देखते हैं उड़ीसी डांस उड़ीसा से आता है भरतनाट्यम डांस हमको तमिलनाडु से आता है मोहिनीअट्टम यहाँ पर हमको केरला में देखने को मिलता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है सतरिया यहाँ पर आसाम का डांस है मणिपुरी मणिपुर का डांस है ये जो आठों डांस हैं ये इंडियन क्लासिकल डांस के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी मगर इंडिया की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके अंदर हमको चाहू डांस भी देखने को मिलता है यानी कि वहाँ पर नौ प्रकार के क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है तो मौलिक कर्तव्यों को भाग चार में ये दर्शाता है ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था अगला क्वेश्चन है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एम शेल के अंदर तो फ्रेंड्स जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है जो भी एटम का मास है वेट है वो कहाँ से आ रहा होता है न्यूक्लियस से आ रहा होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ये चीज हमने देखी है पहली शेल जहाँ पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है के शेल उसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बाद आती है एल एम और एन इस तरह से शेल्स बढ़ती हैं तो यहाँ पर एल एम और एन का जो फार्मूला है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहेंगे उसका बहुत सिंपल फार्मूला है उसका फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर तो यहाँ पर एल यानी कि नंबर टू हो गया तो एल में कितने आएंगे टू एन स्क्वायर यानी कि टू इंटू फोर एट आएंगे एम में कितने आएंगे टू इंटू थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन एट्टीन तो एम में आएंगे एट्टीन तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एट्टीन तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और ये याद रखिएगा एटम का ऐसे बनता, का बनता है एटम मास का ऐसे बनता है बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं टेंथ क्लास तक के लेवल के मगर बच्चे इनको गलत कर देते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान का आर्टिकल है जहाँ पर बताया गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होती है फ्रेंड्स ये आर्टिकल 50 में बताया गया है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं भाग चार में इंडिया में हम देखते हैं कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिलेटिव तीनों की जो ड्यूटीज़ हैं तीनों की जो पावर्स हैं वो अच्छे से डिफ़ाइन की गई है हमारे संविधान में और हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर में यकीन करता है ना कि कंसनट्रेशन ऑफ पावर में यानी किसी एक व्यक्ति के पास पावर कंसनट्रेट नहीं होनी चाहिए हर संस्था के पास बराबर पावर होनी चाहिए इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी डी पी एट द करेंट प्रिवेलिंग प्राइज इज़ कॉल्ड यानी कि मौजूदा प्रचलित कीमतों पर अगर जी डी पी निकालें तो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं नॉमिनल जी डी पी और जब हम नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के हिसाब से चीज़ों का रेट रिवाइज कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं कि बेस ईयर पर आप जीडीपी निकाली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। ये डिफरेंस याद रखना यहाँ पर रियल जीडीपी क्या होती है जिसको हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं बेस ईयर के अकॉर्डिंग इसके अंदर रियल जीडीपी में हम महंगाई की वजह से जो बढ़े हुए दाम है उसको बेसिकली माइनस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी अगला क्वेश्चन है डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं तो वो वेलोसिटी कहलाती है तो उसका आंसर हो जाएगा स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर है के स्पीड में हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं मगर वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी देखते हैं स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है स्पीड का जो फार्मूला है बेसिकली वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस डिफरेंस को भी याद रखिएगा इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अगला क्वेश्चन है विच माइनॉरिटीज़ आर मैंशन इन आर्टिकल थर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में कौन सी माइनॉरिटीज आर्टिकल तीस के तहत बताई गई हैं तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी का जिक्र किया गया है यानी कि भाषा के, के e e इनमें से क्या लाभ नहीं है तो ऑप्शन है पहले कॉस्ट सेविंग और प्राइस रिडक्शन यानी कि ई e कॉमर्स की वजह से कॉस्ट सेव होती है प्राइस भी कम हो जाती है चौसिस बढ़ जाती है हमारी तो सी ऑप्शन में सी हो जाएगा

भारत में आए थे इनको हिंसांग नाम से भी जाना जाता है ये हर्षवर्धन के समय पर हिंदुस्तान में आए थे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट भी किया था वहां पर उन्होंने बौद्धिक धर्म की और बाकी शिक्षा को ग्रहण भी किया था इनकी किताब है सी यू की जिस जिसके अंदर उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है सबसे पहले चीनी यात्री जो भारत में आए थे उनका नाम है फाइयान वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे गुप्ता काल में इस बात को भी याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यहाँ पर हमको राइट स्टेटमेंट ढूंढना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स यानी कि चक्रीय संसाधन है हम सभी ने वाटर साइकिल पढ़ी है तो वाटर किस तरह से रिसाइकिल हो जाता है नेचुरली इसलिए इसको साइक्लिक रिसोर्स हम बोलते हैं पानी की एक ही अवस्था है ये गलत है क्योंकि पानी लिक्विड सॉलिड गैस तीनों फॉर्म में हमको देखने को मिलता है पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है ये भी हम जानते हैं लास्ट है वाटर इज अ बायोटिक रिसोर्स ये गलत वो जैविक संसाधन नहीं है जैविक रिसोर्स के अंदर हमको कार्बन और हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं अगला क्वेश्चन है अगस्त दो में स्माइल सेवेंटी फाइव नाम से एक इनिशिएटिव चालू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था कि हम हमारे जो सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं उनको बैगर फ्री बनाए यानी कि इन क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए यह इनिशिएटिव चालू किया गया था भारत के संविधान में अगर हम देखें तो वहाँ पर बैगरी को अलाउ नहीं किया जाता है इसको डिस्करेज किया जाता है अगला क्वेश्चन है अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बनता है यानी कि इसका सही आंसर है सी जीडीपी का बेसिकली मतलब होता है कि हमारा देश कितना उत्पादन कर रहा है हमारे देश के भूमि से कितना उत्पादन हो रहा है तो इसके अंदर हम अगर बाहर से कोई कंपनी आई है बाहर से कोई व्यक्ति आकर इंडिया में पैसा कमाता है तो उसको भी जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं मगर जब हम जी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि भारतीय है नागरिक कितना पैसा कमा रहे हैं तो अगर कोई नागरिक इंडिया से बाहर रहकर भी पैसा कमाता है तो वो जी में इंक्लूड हो जाता है और जब हम इनमें से डेप्रीशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस से हमको नेट मिल जाता है अगला क्वेश्चन है एशिया और यूरोप को कौन से पहाड़ पर्वत सेपरेट करते हैं अलग करते हैं तो उसका सही आंसर है यूरल माउंटेंस जो हमको रशिया के इधर देखने को मिलते हैं वो इनको अलग करते हैं बाकी प्रमुख पर्वतों की बात करें तो एंडीज माउंटेन हमको देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका में रॉकीज हमको देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में हिमालयाज हमको देखने को मिलते हैं इंडिया में ये तीनों कौन से पर्वत हैं ये तीनों यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आते हैं फिर वेस्टर्न घाट्स देख रहे हैं हम एल्पेचिन माउंटेन्स देख रहे हैं ये कैसे पर्वत हैं ये ओल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमको एटलस देखने को मिलते हैं यूरोप में हमको एल्फ देखने को मिलते हैं ये भी यंग माउंटेन्स के अंतर्गत आते हैं इन माउंटेन रेंजेस को याद रखिएगा और कहाँ पर इनकी लोकेशन है वो भी ज़रूर देखिएगा इस पर क्वेश्चन बन सकता है अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली क्या कहलाती है इंडिविजुअल लीडरशिप पर जो प्रणाली आधारित होती है उसको हम प्रेसिडेंशियल प्रणाली बोलते हैं इंडिया में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम का पालन करते हैं इसको भी याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है

दो कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड देखने को मिलती है यानी कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगी उनके बीच में तो वो अनसेचुरेटेड कहलाएंगे तो यहां पर हमको सही स्टेटमेंट चुनना है तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स बॉन्ड्स और ट्रिपल बिटवीन कार्बन आइटम आर कॉल्ड अनसेड कंपाउंड्स बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं सही ऑप्शन है बी अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं तो यहाँ पर समानता और स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और इक्वालिटी ये सबसे महत्वपूर्ण अंग और राइट्स माने जाते हैं अधिकार माने जाते हैं लोकतंत्र के अंदर ये सब अधिकार हमको भारत के प्रियम्बल में मौलिक अधिकारों में देखने को मिलते हैं जो हर नागरिक को दिए जाते हैं ये अधिकार हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल है थ्री सिक्सटी एट आर्टिकल 368 के अंदर किस तरह से संविधान में संशोधन किया जाए वो बातें लिखी गई हैं इसके अंदर जो सेकेंड क्लॉज है उसके कुछ पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उनमें अगर अमेंडमेंट करना है तो आपको राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है खासकर आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति आनी चाहिए तभी वहाँ पर आप अमेंडमेंट कर सकते हो तो कौन कौन से वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो देख लेते हैं तो कौन से हिस्से हैं ऐसे संविधान के जहाँ पर राज्यों की सहमति जरूरी है तो सबसे पहले आर्टिकल फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव आर्टिकल सेवेंटी सिक्स वन सिक्सटी टू या फिर आर्टिकल टू फोर्टी वन जब आप संशोधन करेंगे इसके अलावा चैप्टर फोर ऑफ पार्ट फाइव चैप्टर फाइव ऑफ पार्ट सिक्स या फिर चैप्टर वन ऑफ पार्ट नाइन बेसिकली ये हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं फिर अगर आप सेवेंथ शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट उसमें चेंज करेंगे तब भी इसके अलावा जो राज्यों की भागीदारी है पार्लियामेंट के अंदर जो हर राज्य को सीट्स दी गई हैं पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर दी गई हैं उसमें अगर संशोधन किया जाएगा तब भी आपको राज्यों की सहमति लगेगी या फिर अगर आप आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंदर ही कुछ चेंज करेंगे तब भी आपको राज्यों की सहमति लगती है इसके अलावा बाकी जो भी क्लॉजेज हैं आर्टिकल हैं संविधान में वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा मिलकर संशोधन कर सकते हैं इस पॉइंट को नोट करिएगा अगला क्वेश्चन है डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन एनी फर्म यानी कि संपत्ति और देनदारी का जो रिकॉर्ड है उसको क्या कहते हैं बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको बैलेंस शीट कहा जाता है उस कंपनी की या फिर उस बिजनेस की नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक विकल्प की पहचान करें जो प्रोक्रायोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि माइकोप्लाज्म ब्लू ग्रीन एल्गे प्यरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये सब जो है प्रोकायोटिक सेल के अंदर आते हैं मगर स्पम सेल जो होता है वो प्रोकायोटिक नहीं होता है वो यू कायोटिक होता है यू कायोटिक और प्रोकायोटिक के बीच का जो डिफरेंस है आपको इस इमेज में दिख रहा होगा बेसिकली यही है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल well डिफाइंड होता है यू कायरोट सेल का जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमको यू कायोटिक सेल देखने को मिलता है बैक्टीरिया एग्जाम्पल है प्रो कायोटिक सेल का इसको याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष गान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है फ्रेंड्स हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल 80 के तहत 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर तो ये 12 लोग जो आते हैं या तो वो साइंस की फील्ड के हों आर्ट की फील्ड के हों लिटरेचर की फील्ड के हों तो उनको यहाँ पर नॉमिनेट करा जा सकता है मगर एलुक्वेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके तहत उनको नामांकित किया जाता है राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः साल का होता है हर दो साल में एक तिहाई सदस्य वहाँ पर चेंज होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा वहाँ पर वोटिंग होती है राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता लोकसभा हर पाँच साल में डिजोल्व होती है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इस डिफरेंस को भी याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है ये शब्द किसने कहे थे फ्रेंड्स ये शब्द राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहे थे उनके ये शब्द हैं वो एक लेखक भी थे क्रांतिकारी भी थे उनके साथ दो केस जुड़े हुए हैं एक है मैनपुरी कॉन्स्प्रेसी केस 1918 का और फिर है काकोरी कॉन्सप्रेसी केस और उनको जो सजा हुई थी वो काकोरी कॉन्सप्रेसी केस में ही हुई थी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे उसके इनिशियल फाउंडर्स में उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद जी के साथ उन मिलकर काम किया है आगे हम देखते हैं कि विच फोर्स इज अर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है उसके पीछे किसका बल है या फिर कौन सा बल उसके लिए जिम्मेदार है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है सेंट्रिपिटल फोर्स सेंट्रपिटल फोर्स की वजह से हम देखते हैं कि चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है सेंट्रिपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो केंद्र की तरफ आकर्षित होता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाती है अगर वो केंद्र से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कहलाती है सेंट्री फ्यूगल फोर्स ये डिफरेंस है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण की फोर्स वो होती है जब रघराट की वजह से जो बल लगता है इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सही आंसर है ए केशवानंद भारती केस 1973 ये एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहाँ पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था और ये बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर उसके अंदर संसद भी कोई बदलाव नहीं कर सकता अगर कोई बदलाव ऐसा आता है जो मूल ढांचे के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड कर देगा यानी कि उसको निलंबित कर देगा हटा देगा यहाँ पर गोलकनाथ केस भी दिया गया है गोलकनाथ केस में यह कहा गया था कि मौलिक अधिकार यानी कि सर्वोच्च है फिर हम देखते हैं मनिर मिल केस नाइनटीन एट्टी यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो की गई और ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू एक प्रमुख अंग है संविधान का इसके साथ साथ सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि मौलिक अधिकार और जो नीति दी गई है यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी उनके बीच में संतुलन बना रहे फिर हम देखते हैं स्वर्ण सिंह केस इस केस में गवर्नर की जो पावर है खासकर पाडन करने की पावर उन पर भी न्यायालय विचार कर सकता है ये बात कही थी और यहाँ पर जिसको पाडन किया गया था उस चीज को निलंबित कर दिया गया था अगर कोई मालाफेड इंटेंशन से पाडन दिया जाता है यानी कि माफी दी जाती है किसी गुन्गार को गवर्नर द्वारा तो ये भी बहुत बड़ा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो न्यूज में रहते हैं उनको फॉलो कीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हुए दिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध कार्यकर्ता के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है तो यहाँ पर सही आंसर है बी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनुप्लॉयमेंट उसको हम कहते हैं यानी कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है उसकी वजह से यह अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी हो रही है इसके अलावा हम देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो जब हमको देखने को मिलता है जब अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ रहे होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमको ये चीज देखने को मिलती है खासकर जैसे कि नई मशीनें आ जाना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोजगारों में बदलाव आ रहा है या फिर जो कौशल और स्किल यहाँ पर डिमांड की जा रही है कंपनियों द्वारा वो चेंज हो रही है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फिर एक साइकिलिक अनएलॉयमेंट भी होता है जिस तरह से अर्थव्यवस्था की साइकिल हमको देखने को मिलती है कि वो ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे आती है फिर ऊपर जाती है तो अर्थव्यवस्था की साइकिल की वजह से चक्रीय प्रणाली की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको हम साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट मानते हैं ये कुछ प्रमुख तरीके हैं अनएम्प्लॉयमेंट देखने के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है फ्रेंड्स एक्सरसाइज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पर डी वेल्थ टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है ये डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है ऐसे टैक्स जो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं इनकम टैक्स जैसे कि डायरेक्ट टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है इसके अलावा गुड्स सर्विसेज वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है जो बेसिकली आप दुकानदार को देते हैं वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सभी पर समानता से लगते यानी कि यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं आप अमीर हैं गरीब हैं आपको सेम टैक्स भरना है जैसे कि पेट्रोल कोई भी भरवाए उतना ही टैक्स लगेगा मगर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स हुआ वेल्थ टैक्स हुआ ये आपके आय के हिसाब से आप पर लगते हैं इस डिफरेंस को भी नोट करिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से साल में कालिदास सम्मान चालू किया गया था फ्रेंड्स 1980 में इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया था इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर है तानसेन तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग में वो रीवा के हिंदू राजा राजा रामचंद्र सिंह जी के यहाँ थे जहाँ पर उनके संगीत के कौशल को बढ़ावा मिलता है और अकबर को ये जब बात पता चलती है तो अकबर उनको अपने दरबार में बुलाते हैं और नौ रत्नों में शामिल करते हैं अकबर ने उनको टाइटल दिया था मियाँ तानसेन का तानसेन ने ध्रुपद राग बनाया है इसके अलावा उन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं क्लासिकल किताबें श्री गणेश स्त्रोत और संगीत सार ये दो किताबें तानसेन ने लिखी हैं राग मल्हार के लिए भी तानसेन जाने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है तो यहाँ पर जिस वस्तु से करंट पास ना हो या फिर हीट एनर्जी स्लोली पास होती है उसको हम बोलते हैं कि वो बैड कंडक्टर है तो यहाँ पर कॉपर सिल्वर और निकल ये धातु जो है बेसिकली यूज़ भी हम करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस में और बाकी चीज़ों में क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर हैं हार्ड रबर जो है वो बैड कंडक्टर है इसको याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है फूड चेन में सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स द्वितीय उत्पादक कौन होते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हर्बी बोर्ड्स को हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं हर फूड चेन हम देखते हैं प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है यानी कि ग्रास से स्टार्ट होती है और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो घास को खाएंगे या फलों को खाएंगे पेड़ों को खाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पर ओमनी और काननी वर्ड भी आ रहे हैं काननी वो होते हैं जो सिर्फ मीट को खाते हैं ओमनी वो होते हैं जो मीट भी खा सकते हैं और वेजिटेबल्स या ग्रास भी खा सकते हैं इस तरह से फूड चेन चलती है लास्ट में आते हैं डी जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में राबी मौसम से संबंधित है तो फ्रेंड्स राबी फसल की बात करें तो यहाँ पर बारले राबी फसल से संबंधित है यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं खरीफ फसल के तो उसके अंदर राइस देखने को मिलेगा आपको मेज बाजरा सोयाबीन कॉटन ये सब खरीफ फसलें हैं जो बरसात के महीने में हमको देखने को मिलती हैं राबी फसलें हमको सर्दी के महीने में देखने को मिलती है। इसमें हैं इसमें प्रमुख फसलें हैं वीट यानी कि गेहूँ बारले ओट्स पल्सेस मस्टर्ड

फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड को क्या कहा जाता है बहुत ही सिंपल है प्लेटो कहा जाता है तिब्बतन प्लेटो को याद रखिएगा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई सबसे ऊंची है इसलिए तिब्बतन प्लेटो पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं इंडिया की बात करें तो डक्कन प्लेटो है इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये पाँच राज्य जो है सीमा साझा करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई में 1867 में स्थापित डैश ने जाति प्रतिबंधों को हटाने बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मांग उठाई और कदम बढ़ाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है प्रार्थना समाज इसकी स्थापना हुई थी इकत्तीस मार्च एटीन में किसने की थी तो आत्मा राम जी ने की थी सिमिलरली हम देखते हैं एटीन सेवेंटी थ्री में ज्योतिराव राव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं वेद समाज बनती है केशव चंद्र सेन द्वारा और के श्री धरालू नायडू द्वारा आर्य समाज की बात करें तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी भौतिक राशि का संख्या आत्मक मान क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है तो फ्रेंड्स वो मैग्नीट्यूड कहलाती है यहाँ से हम बेसिकली जो यूनिट का नाम है मीटर हटा दें सेंटीमीटर हटा दें किलोग्राम हटा दें ग्राम हटा दें दे, तो जो उससे मूल बचता है वैल्यू बचती है आठ नौ दस सौ जो भी है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नियोजन के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का क्या लक्ष्य नहीं है तो फ्रेंड्स आधुनिकीकरण हम क्यों करना चाहते हैं ताकि हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें हम हमारी सामाजिक विचारधारा को चेंज कर सकें मगर यहाँ पर हम कहीं पर भी जो पश्चिमी सभ्यता की लाइफ स्टाइल है उनके जो खान पान का तरीका है या फिर रहने का तरीका है उसको कॉपी नहीं करना चाहते हैं हम अपने भारतीय भारतीय तरीके तरीके से तरीके से संस्कृति के ही रहना चाहते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है बाकी तीनों चीजें सही है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं यानी कि कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज पाई जाती हैं कॉनिक फॉरेस्ट ट्रीज हमको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी क्योंकि ऐसी ट्रीज ऊंचाई वाले इलाके में पाई जाती हैं जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट रहता है तो उत्तराखंड वाले इलाके में हमको ये देखने को मिलेंगी बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में हमको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस अगला क्वेश्चन है कृष्णा थ्री ऑफ मान्य खेत किस राजवंश से आते थे यहाँ पर सही आंसर है राजकूट राजवंश से वो आते थे कृष्णा थ्री राजकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग इस पर क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और कृष्णा वन को भी याद रखिएगा ये वही राजा हैं जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जो आज की डेट में यूनेस्को के विश्व धरोहरों में आता है और यहाँ पर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि राजकूट प्रतिहार और पाल के बीच में संघर्ष चल रहा था कन्नौज को लेकर जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं जो हमको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप दक्षिण भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है तो कथाकली केरला में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में भरतनाट्यम तमिलनाडु से आता है और यहाँ पर सात्रिया डांस आसाम से आता है तो सही आंसर हो जाएगा सात्रिया डांस अगला क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है फ्रेंड्स वो बेसिकली जो भी हम ट्रांजेक्शन जो भी हम व्यापार करते, है, के करते है, हैं यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें बेचते हैं एक्सपोर्ट में आयात करना निर्यात बेसिकली जो चीज़ें हम खरीदते हैं इम्पोर्ट करना इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ये बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आएगी क्योंकि यहाँ पर हम दूसरे देशों से ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आती है एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही हमको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में स्थायी रूप से रहेगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं अगला क्वेश्चन है अहमदनगर नेतृत्व किया था और अहमद अहमदनगर साम्राज्य निजाम शाही डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है इसके संस्थापक थे मलिक अहमद शाह बहरी डक्कन में हमको और भी राज्य देखने को मिलते हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं बैराज सल्तनत जो बनाई गई थी फतुल्ला एमाद उल मुल्क द्वारा 1419 में बनाई गई थी और 1575 में ये सल्तनत अहमदनगर के पास चली जाती है बीजापुर की बात करें तो उसको आदिल शाही के नाम से भी जाना जाता है इस्माइल आदिल शाह ने इसको 1490 में बनाया था फिर हम देखते हैं गोलकुंडा जिसकी संस्थापना सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी फिफ्टीन में इस पर भी औरंगजेब कब्जा कर लेते हैं सिक्सटीन में बिदर सल्तनत की बात करें तो उसके संस्थापक थे काजिम बरीद और इसको बीजापुर हड़प लेता है 1619 में और बीजापुर को 1686 में औरंगजेब मुगल साम्राज्य में विलय करा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मैकमोहल लाइन इज़ अ लाइन विच सेपरेट्स चाइना एंड विच इंडियन स्टेट तो भारत के कौन से राज्य और चाइना के बीच में हमको मैकमोहल लाइन देखने को मिलती है फ्रेंड्स ये लाइन हमको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में इसके अलावा जो कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में और चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल अगला क्वेश्चन है पेरिस इंडियन सोसाइटी जो कि एक भारतीय नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसकी संस्थापना कब की गई थी तो उसकी संस्थापना 1905 में की गई थी और ये संस्थापना की थी मैडम बिकाजी कामा द्वारा मैडम बिकाजी कामा और वीर सावरकर जी ने मिलकर इंडिया का फ्लैग भी बनाया था जिसको उन्होंने विदेशी धरती पर लहराया भी था आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के आंतरिक उष्म इंजन को कौन शक्ति देता है तो अर्थ का जो कोर है उसको एनर्जी मिलती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी वहां पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडिएशन करते हैं उस रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है और वही एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है और लिथोसफियर है मूव करती है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस की यूनिट कौन सी है इनमें से तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है वॉट पावर की यूनिट है जूल वर्क डन की यूनिट है लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट है एक लाइट ईयर क्या होता है एक लाइट ईयर ये होता है कि जब कोई भी वस्तु अगर लाइट की स्पीड से यानी कि थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब वो एक साल तक लगातार चलेगी तो जितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी उसको बोला जाएगा एक लाइट ईयर तो बेसिकली यहाँ पर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं स्पीड है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट और टाइम है यहाँ पर एक साल इसलिए वन लाइट ईयर उसको बोला जाता है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति क्या है ताकि वहाँ कोई भी कार्य कर सके यानी कि मिनिमम कितने लोग चाहिए मिनिमम कोरम जिसको हम बोलते हैं ताकि लोकसभा की कार्यवाही चल सके तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए वन बाय टेंथ में मौजूद होने चाहिए लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो तभी उस हाउस की कार्यवाही आगे बढ़ती है नहीं तो उस दिन की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु इक्कीस से घटाकर अठारह वर्ष कर दी गई थी तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1988 में इसके लिए संशोधन आया था दिक्कसटी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको भी याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है पत्तियों में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है तो पत्तियों में ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा सेल इसके थ्रू होता है इसको याद रखिएगा यहाँ पर जो प्लांट सेल होता है उसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल वॉल होती है उसके अंदर राइजोजोम्स होते हैं गोल्गी वेसल्स होते हैं और माइक्रोकॉन्डिया होता है साइटोप्लाज्म होता है ये सब चीज़ें भी पूछी जाती है तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अगला क्वेश्चन है मनी मेघलई निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है मनी मेघलई लिखी गई थी सित्ता नाई सत्यनार्वारा शिल्पाधिकरण के साथ ये भी तमिल एपिक्स में आती है जो हमको संगम काल में देखने को मिलती है इसके अंदर कहानी है कोलवलन और माधवी की बेटी की और जो शिल्पाधिकरण है उसके अंदर कहानी है कोलवलन उनकी पत्नी कनेगी और उनकी प्रेमिका माधवी तो पहला पार्ट है शिल्पाधिकारम और सेकेंड पार्ट है मनी मेघलई शिल्प अधिकारम लिखा गया था एलैंगो अधिगल द्वारा इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्ट रेट एट विच आर ऑफ इंडिया प्रोवाइड ओवर लिक्विडिटी टू बैंक इज कॉल्ड जब रातों रात लोन की जरूरत पड़ती है बैंकों को तो उस चीज को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जब इमिजिएटली जरूरत पड़ती है बैंकों को अपने अकाउंट सेटल करने के लिए तब इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देती है उसको बोला जाता है रेपो रेट और जब बैंक खुद का पैसा आर के पास रखते हैं तो बैंकों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा आर से उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे यानी कि होम लोन कार लोन बाकी सब लोन भी महंगे होंगे अगर रेपो रेट कम होगा तो बाकी सब लोन भी कम होंगे तो इंटरेस्ट भी कम होंगे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगर कोई बॉडी

मनी बिल के बारे में बताया गया है बाकी गवर्नमेंट बिल हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो प्राइवेट मेंबर बिल हो ये लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी चालू हो सकते हैं मनी बिल लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और मनी बिल है कि नहीं ये कौन प्रमाण देता है ये प्रमाण देते हैं लोकसभा के स्पीकर जो भी उस समय होते हैं इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन उनको सेपरेट करती है वो क्या कहलाती है तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डुरैंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी जो लाइन है बॉर्डर पर उसको भी डुरेंड लाइन कहा जाता है मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में हमको देखने को मिलती है रेड क्लिफ लाइन हमको देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन ही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं गिफ्ट टू मोनोथीस्ट ये पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है राजा राम मोहन रॉय द्वारा इसके अलावा भी उन्होंने और पुस्तकें लिखी हैं जिसमें से फेमस पुस्तक है उनकी तौफ़त उलमोहद्दीन यह उनकी पहली किताबों में से एक है उन्होंने 1814 में सभा की स्थापना की थी उन्होंने एक किताब के लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने काफी मेहनत की और उसका रिजल्ट उनको मिलता है 1829 में जब विलियम बैंटिक इसको बैन कर देते हैं कंप्लीटली इंडिया में आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक की विशेषता है तो फ्रेंड्स सेडिमेंट्री रॉक तब बनती है जब चट्टान एक के ऊपर एक परत दर परत जम जाती हैं और बहुत सालों के प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चिपक जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक इस प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन अगला क्वेश्चन है मेहरोली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्ता शासक का है तो वो स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बात करता है ये गुप्ता वंश के महान शासकों में से एक है देवी चंद्रगुप्तम बेसिकली जो ड्रामा है वो लिखा गया था विशाखदत्त दत्त द्वारा जहाँ पर हमको इनके बारे में पता चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको समझ लेते हैं ऐसा खर्चा जहाँ से आपको रिटर्न आने की उम्मीद हो यानी कि कुछ खर्चा करो तो वहाँ से पैसा वापस भी आए ऐसी अगर उम्मीद है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं अगर आप कोई मशीन खरीदते हो तो जाहिर सी बात है तो उस मशीन से कुछ बनाओगे पैसा कमाओगे ज़मीन ख़रीदोगे ज़मीन से रेंट आ सकता है ज़मीन की वैल्यू आपस में बढ़ती है ज़मीन को जब बेचोगे वापस पैसा मिल जाएगा तो ये भी कैपिटल हो गया सेम चीज़ बिल्डिंग के साथ होती हुई दिखती है मगर जब आप किसी को ब्याज देते हो तो वापस तो कुछ मिलना नहीं है वहाँ से तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है कैपिटल में नहीं तो सही आंसर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम है जो पैंक्रेटिक जूस को हेल्प करता है फैट्स को ब्रेक डाउन करने में तो यहाँ पर सही आंसर है लिपेस लिपेस एंजाइम जो फैट होता है उसको तोड़ने में मदद करता है और कुछ एंजाइम्स पर भी नज़र डालते हैं एमलेस एंजाइम हमको देखने को मिलता है जो हमको शुगर जो होती है शक्कर उसको स्टार्च में चेंज करने में हेल्प करता है मेल्टास एक एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर होता है वो भी शुगर को मेल्टोज से ग्लूकोस में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सन करके एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है अमीनो एसिड में हमारे स्मॉल इंसटाइन के अंदर फिर लैक्टेस करके एक एंजाइम होता है जो लेक्टोज को ब्रेक करता है और जो दूध में खासकर शक्कर होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है तो ये एंजाइम्स को भी याद रखिएगा ये काफ़ी यूजफुल एंजाइम्स हैं जिस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग व्यापार की जब बात करें तो क्या चीज वहाँ पर सहायक रूप में देखने को मिलती है तो प्रोडक्शन तो डायरेक्ट प्रोसेस है जहाँ पर आप उत्पादन करते हो सेलिंग यानी बेचना बाइंग यानी खरीदना वेयर हाउसिंग यहाँ पर माल रखा रहता है अभी तक यूज नहीं आया है तो बेसिकली सपोर्टिंग रोल में यहाँ पर हमको क्या दिखता है वेयर हाउसिंग दिखता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेयर हाउसिंग अगला क्वेश्चन है न्यायालय के किस विशेष अधिकार का अर्थ गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर है ए हैबियस कॉर्पस हैबेस कॉर्पस रिट होती है जहाँ पर न्यायालय यह आदेश देता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करा है उसको चौबीस घंटे के अंदर हमारे सामने पेश किया जाए ये बेसिकली पुलिस की या फिर जो संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेही तय करता है ताकि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो फिर हम देखते हैं मैंडेमस मैंडेमस बेसिकली मतलब होता है वी कमांड हम आदेश देते हैं यहाँ पर न्यायालय पब्लिक ऑफिसर्स को आदेश दे सकते हैं जनता के हित में इसके बाद हम देखते हैं सेटरारी सेटर बेसिकली टू बी सर्टिफाइड ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पर जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को बेसिकली आदेश देता है और ये कहता है कि आपके पास जो केस है वो हमारे पास भेज दीजिए या फिर जो उनका आदेश उन्होंने दिया है लोअर कोर्ट ने उसको निलंबित कर दिया जाता है तो सेटर इसलिए यूज होती है फिर आती है क्यों वारंटो ये इसका मतलब होता है बाय अथॉरिटी और वारंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट को इशू करते हैं जब कोई इलीगल काम होता हुआ दिखता है या फिर कोई पब्लिक ऑफिस गलत काम के लिए यूज किया जा रहा होता है तब क्यों वारंटो तो रिट को यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट हम देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर ही हटाया जा सकता है तो यहाँ पर किन आधार पर हटाया जा सकता है तो दो आधार हैं बेसिकली प्रूव मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी इन आधार पर ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है अगला क्वेश्चन है डैश गैस इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है तो क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है हमने फॉर्मूला देखा था सी ए ओ सी एल टू तो सी एल आ रहा है वहाँ पर क्लोरीन तो सी एल यानी कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है अगला क्वेश्चन है बक मिस्टर फ्लोरेंस इज अ नैनो पार्टिकल करेक्टराइज बाय स्फेरिकल जोमेट्री एन अ होलो इंटीरियर विच कंटेंस हाउ मेनी कार्बन आइटम तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमको साठ कार्बन देखने को मिलते हैं नैनो पार्टिकल्स तो ये बनता है अगला क्वेश्चन है डाक घर यानी कि पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसा जमा होता है वो कौन से धन आपूर्ति कुल में शामिल होता है यानी कौन से मनी सप्लाई एग्रीगेट में उसको गिना जाता है तो उसको फ्रेंड्स एम में गिना जाता है तो यहाँ पर आपको एम वन देख रहा है एम वन क्या होता है एम वन को हम नैरो मनी भी बोलते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है इसके अंदर आता है डिमांड डिपॉजिट आते हैं जो हमारी करेंसी है पब्लिक के पास जितने भी नोट हैं वो आते हैं और यहाँ पर ओ डी यानी कि जो भी डिपॉजिट्स हैं आर बी आई के पास वो भी इसके अंदर आते हैं उसको हम एम वन बोलते हैं एम टू क्या होता है एम टू में एम वन के साथ साथ सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं एम टू के अंदर एम वन के साथ जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ उनको जोड़ा जाता है यहाँ पर सिर्फ सेविंग अकाउंट्स को जोड़ा है पोस्ट ऑफिस के तो वो एम टू बन गए एम थ्री क्या होता है एम थ्री को हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं और इसके अंदर हम टाइम डिपॉजिट जो होते हैं एफ डी जो की जाती है बैंक के साथ उसको भी जोड़ लेते हैं ठीक है और एम फोर में क्या होता है एम फोर में हम जितने भी डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस के पास और एम थ्री मिलाकर एम फोर बनता है तो इस तरह से इसको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में वर्णित नहीं है तो फ्रेंड्स आपस में सौहार्द बनाकर रखना टू प्रमोट हार्मनी सरकारी और पब्लिक संसाधनों की सुरक्षा करना टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी देश की रक्षा करना डिफेंड द कंट्री ये तीनों तो मौलिक कर्तव्यों में है यहाँ पर टू रिस्पेक्ट एल्डर्स जो है बेसिकली मौलिक कर्तव्यों में नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ए आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन अशोक ने अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए डैश को नियुक्त किया था अशोक ने यहाँ पर धम महामात्यास को अपॉइंट किया था जो देखते थे अपने प्रदेश की और क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं को अशोक एक महान शासक रहे हिंदुस्तान के जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतने के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को फैला लिया था कलिंग युद्ध जीतने के बाद वो हिंसा और सैन्य अभियान को छोड़ देते हैं यानी कि बैरी घोष को छोड़कर वो धम्म धमघोष की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो शांति का संदेश देना चाहते हैं और शांति से लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पर उनके जीवन में फिर बौद्ध शिक्षाओं का भी महत्व देखने को मिलता है इसलिए हम देखते हैं कि धम की बात की जाती है और उसके लिए अलग ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं धम महामास तो उसको याद रखिएगा जहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सौ से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और साथ में हमने डिटेल्स को भी डिस्कस किया है और हमने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर कि जो आसपास की डिटेल होती है वहीं से क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन रहने वाले हैं ख़ास तौर से जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस की है वहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर